हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सोशल स्टडीज क्लास टुडे वी विल रीड लेसन सिक्स लेसन नेम इज़ इंडिया द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स लेसन रीड करने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कोस्टल प्लेन अ कोस्टल प्लेन इज अ फ्लैट लो लाइंग पीस ऑफ लैंड नेक्स्ट टू द ओशन स्टूडेंट कोस्टल प्लेन हम किसे बोलते हैं जहाँ पे ओशन ज़मीन से लैंड से मिलता है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं कोस्टल प्लेन जो समुद्री किनारे का एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स नाउ लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स पेज नंबर थर्टी सिक्स द डिकन प्लेटो ऑफ इंडिया इज सराउंडेड ऑफ कोस्टल प्लेन इन द वेस्ट एंड ईस्ट जो डिकेन प्लेटो है भारत में वो उसके चारों तरफ कोस्टल प्लेन् वेस्ट और ईस्ट में डिकन प्लेटो के चारों तरफ क्या है कोस्टल प्लेन वेस्ट और ईस्ट में है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है स्टूडेंट वो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में है ये देखिए ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ है अरेबियन सी में कहाँ पे है अरेबियन सी और ये वेस्टर्न घाट में ये आपको ये दिखाई दे रहा है ये एरिया अरेबियन सी में ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है स्टूडेंट्स द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइ बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में स्थित है ये देखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ है बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में है ये देखो दिस इज़ अ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ है ये बे ऑफ बंगाल में और ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मीट है कन्याकुमारी ये देखिए ये कन्याकुमारी पे ये दोनों ये एरो का निशान है ना इधर ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं ये ये कन्याकुमारी पे। कहाँ मिल रहे हैं स्टूडेंट्स कन्याकुमारी पे। दीज टू कोस्टल प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी ये दोनों तटीय मैदान कन्याकुमारी में मिलते हैं विच इज द साउथन मोस्ट टिप ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया जो आ, इंडिया का साउथन टिप है ये अब हम पढ़ेंगे द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इसके बारे में रीड करेंगे द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम रन ऑफ कच इन गुजरात टू केरला इन साउथ ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये गुजरात में रन ऑफ कच से लेकर साउथ में केरला तक फैला हुआ है दीज कोस्टल प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स ये तटीय मैदान तीन भागों में बांटे गए हैं द नॉर्दर्न पार्ट इस गल द गुजरात कोस्ट जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है उसे गुजरात तट बोलते हैं और जो मिडल पार्ट इज कॉल्ड द कॉनकन कोस्ट और जो इसका मिडल बीच का हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं कॉनकन कोस्ट द साउथर्न पार्ट इज द इज कॉल्ड द मालाबार कोस्ट जो साउथर्न पार्ट है हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं मालाबार कोस्ट मोस्ट ऑफ द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट ज़्यादातर जो नदियाँ वेस्टर्न घाट से निकलती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं द मालाबार कोस्ट इन केरला इज़ वेल नोन फॉर लेगूंस और बैक वाटर्स मालाबार केरला में जो मालाबार कोस्ट है वो किसके नाम से जाना जाता है लेगूंस या बैक वाटर के नाम से अ लेगून इज अ सॉल्ट वाटर लेक जो लेगून है ये नमक uh, वाली नमकीन पानी की लेक है द बैक वाटर आर लोकली कॉल्ड जो बैक वॉटर्स है इन्हें कायल्स के नाम से जाना जाता है लार्जेस्ट बैक वाटर इन केरला अब जो जो है केरला में सबसे लंबा बैक वाटर है अब हम पढ़ेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में मैंने भी आपको मैप में भी दिखाया था कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ है बे ऑफ बंगाल में द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम बंगाल इन द नॉर्थ टू तमिलनाडु इन द साउथ जो ईस्टर्न कोस्टल ये जो है तटीय मैदान है ये नॉर्थ में बंगाल में आ, से लेकर साउथ में तमिलनाडु तक फैला हुआ है द कोस्टल प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं तटीय मैदान है इनको दो हिस्सों में बांटा गया है द नॉर्दर्न पार्ट अलोंग बंगाल एंड उड़ीसा इस काल द नॉर्दर्न सरकास आ, जो इसमें है बंगाल के साथ और उड़ीसा के साथ जो नॉर्दर्न पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं नॉर्दर्न सरकास और द साउथर्न पार्ट अलोंग आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साथ ये जो साउथर्न पार्ट है इसको क्या बोला जाता है कौरमंडल कोस्ट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर फॉर्म बाय एलवियम बॉट बाय महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी रिवर्स जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये किससे बना हुआ है ये कौन कौन की ये महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों द्वारा लाए गए जो मिट्टी है एल्वियम है उससे बना है दिस रीजन इज वेरी फर्टाइल ये क्षेत्र जो है बहुत ही उपजाऊ है स्टूडेंट्स डू यू नो वट इज आईलैंड अब हम पढ़ेंगे द इंडियन आइलैंड ग्रुप्स तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आइलैंड क्या होता है आइलैंड एनी एरिया ऑफ लैंड स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट एंड एंटायरली सराउंडेड बाय वाटर आइलैंड क्या होता है ये कॉन्टिनेंट से छोटा आ, छोटा एरिया होता है इसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है कि पानी के बीच में जो जमीन होती है लैंड होती है उसे हम क्या बोलते हैं आईलैंड आईलैंड में एक्योर इन ओशन सीज लेक्स और रिवर्स आईलैंड कहाँ पर होते हैं ओशन में ओशंस के पास सी में और लेक में और नदियों में अ ग्रुप ऑफ आई ग्रुप ऑफ आईलैंड इज कार्ड एन आर्क पेलेगो जो ग्रुप ऑफ आईलैंड जहाँ बहुत आईलैंड के समूह को द्वीप समूह भी बोलते हैं आर्क पेलेगो मीन्स द्वीप समूह स्टूडेंट्स देखिए ये है आईलैंड इसके क्या है चारों तरफ वॉटर है और बीच में ये लैंड है तो दिस इज अइलैंड दिस इज एन आईलैंड अब हम रीड करेंगे द इंडियन आइलैंड ग्रुप्स द टू मेन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स आर द अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी ये जो दो मुख्य समूह हैं आइलैंड्स के वो क्या है अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ है बे ऑफ बंगाल में और लक्षद्वीप कहाँ है अरेबियन सी में लक्षद्वीप अरेबियन सी में है द अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड हैव टू ग्रुप्स द अंडेमान्स इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ जो अंडेमान और निकोबार आइलैंड है ये दो ग्रुप्स में है जो अंडेमंस है ये कहाँ है नॉर्थ में और जो निकोबार है वो साउथ में है मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स आर हिली ज़्यादातर आइलैंड्स जो हैं वो पहाड़ी हैं दे आर अबाउट वन थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर अवे फ्रॉम कोलकाता एंड चेन्नई वो कोलकाता और चेन्नई से एक हज़ार दो सौ किलोमीटर दूर हैं पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल सिटी जो पोर्ट ब्लेयर है वो कैपिटल सिटी है मीन्स वो राजधानी है द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज कार्ड इंदिरा पॉइंट जिसका साउथन मोस्ट पॉइंट है उसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है द सेलुलर जेल इज इन पोर्ट ब्लेयर द सेलुलर जो सेलुलर जेल है वो कहाँ है पोर्ट ब्लेयर में दीज आईलैंड आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट ये आइलैंड्स जो हैं घने जंगलों से ढके हुए हैं अब है लक्षदीप ग्रुप द लक्षदीप ग्रुप इज़ अबाउट टू हंड्रेड किलोमीटर टू फाइव हंड्रेड किलोमीटर अवे फ्रॉम द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला जो लक्षदीप ग्रुप है वो केरला के मालाबार तट से दो सौ से लेके पाँच सौ किलोमीटर तक की दूरी पर है कावरती इज इट्स कैपिटल सिटी इसकी कैपिटल सिटी कौन सी है कवरती Hmm, कवरती दीज आइलैंड्स आर ऑफ़ कॉरल ओरिजन्स हैव नो हिल्स एंड स्ट्रीम ये जो आइलैंड्स हैं इनपे कोई भी पहाड़ी और कोई भी झरना नहीं है मिनिकॉय इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन दिस ग्रुप इस ग्रुप में इस मूव में सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है मिनिकॉय फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन एंड कोकोनट इज़ द मेन क्रॉप यहाँ पे मछली पकड़ने का काम मुख्य रूप से किया जाता है और आ, फसल कौन सी है मुख्य रूप से कोकोनट सो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक रीड करेंगे ये लेसन लेंथी है टमोारो वी विली रीड लाइफ ऑफ द पीपल इन द कोस्टल पेंस सो स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड पेज नंबर थर्टी सिक्स एंड थर्टी सेवन थैंक यू